तुम सब लोग खड़े क्यों? चलो चलो जल्दी तैयारी करो। हाँ हाँ चलो, हाँ चलो चलो तैयारी करते, चलो हम खाना बना रहे, तुम तुलसा मंजुला की मदद करो जाओ। तो आज की ये शाम सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र के नाम, बाकी किसने किसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ भीमराव से मतलब है। अब आप लोगों के सामने भीमराव आएंगे और दो शब्द कहेंगे कि उन्होंने सर्वोच्च स्थान कैसे प्राप्त किया है। जो भाषण तूने तैयार किया है वो सबको सुना, चल। मुझे कोई भाषण नहीं देना। भीम, अब ये ज्यादा हो रहा है। चल ना। हाँ, चलो, चल चल। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँ? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। भाषण नहीं देना तो क्या हुआ, भीम की खुशी में हम ही भोज कर लेते। हाँ 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 करते हैं ना। अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं ही भीमराव हूँ और भीम की जगह मैं भाषण दूंगा। हाँ ये सही रहेगा, तुम भाषण दो और हम लोग सोच लेंगे कि भीमराव भाषण दे रहा है। हाँ चलो शुरू करो। मेरा नाम भीमराव है, मैंने अपनी स्कूल में सर्वोच्च स्थान अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम से प्राप्त किया है। मैं सुबह शाम पढ़ाई करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती। और मैं कोशिश करूंगा कि हर साल मैं ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त करूँ। पढ़ाने में मुझसे ज्यादा मेहनत मेरे आई और बाबा ने की है। बाबा और आई ने मुझे बार बार ये बताया है कि हम जैसे गरीब और समाज के सबसे नीचे जाति के लोग के लिए पढ़ाई के अलावा और कुछ उपाय ही नहीं है जीवन में खुशहाली लाने का, इसलिए मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं खुद की, अपने परिवार की, अपने समाज की मदद कर सकूँ, उन्हें इस समाज में सही स्थान दिलवा सकूँ। और अंत में धन्यवाद बाबा, धन्यवाद आई, धन्यवाद बहने, धन्यवाद भाई और बुआ, आप मुझसे इतनी आशा लगाए हो। ये रहा हमारे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले भीमराव का भाषण। शाबाश भीम, शाबाश, यूं ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।
भीम भी मान गया। चलो हम लोग सब भोज करते। अरे भीम अब कहाँ जा रहा है? सबने नए कपड़े पहन लिए तो मैं भी पहन लेता हूँ। क्या हुआ अगर आज आपका हाथ पकड़कर मैं उस दरवाजे तक नहीं जा पाई? कल, परसों या परसों के बाद आने वाले किसी कल में हम जरूर वहां जाएंगे। भीमा भाई, जीवन में जब भी कभी कमजोर पड़ा हूं तुमने हौसला दिया है। तुम्हारा साथ रहा तो बच्चों की कामयाबी के फक्र में पूरी दुनिया घुमाएंगे। इस भीमा भाई का साथ आपके पास हमेशा है। भीमा भाई, इस रात को हमेशा याद रखना। इस संसार में कोई ऐसी एक रात जरूर आएगी जब पूरा देश अपने भीम की कामयाबी पर जश्न मनाएगा। शायद तब जाकर भीम के दिल में जो आज कसक बज गई होगी वो पूरी होगी। बाबा, मैं प्रथम आऊंगा तो पूरा देश क्यों जश्न मनाएगा? मेरे प्रथम आने से उन्हें क्या मिलेगा? समझाइए हमारे भीमराव को, देश क्यों खुशियां मनाएगा, उन्हें क्या मिलेगा? इधर देखो बेटा, जब इंसान की कामयाबी से दूसरे लोगों के जीवन में फर्क पड़ने लगे तो वो लोग तुम्हारी कामयाबी पर जश्न मनाते हैं। और उसी तरह की बड़ी कामयाबी पाने के लिए तुम्हें कक्षा में प्रथम आने जैसी कामयाबी निरंतर पानी होगी। भीम बेटा, असली ट्रॉफी तो वो नहीं है जो अंग्रेजी भोज में तुम्हें दी जाती या कल तुम्हें गुरुजी देंगे। असली ट्रॉफी तो लोगों का प्यार है, लोगों की इज्जत है जो तुम्हारे प्रति होगी। और वो तब होगी जब तुम उनके लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करोगे बिना किसी लालच के। इसका मतलब बाबा, मुझे पूरे समाज के लिए जीना होगा। ये तो तुम्हें तय करना है भीम। मैं तो बस इतना कहूंगा, जितने लोगों के लिए जी सकते हो जियो तुम। अब मैं कुछ कहूं? दुनिया का ख्याल रखने के लिए पहले खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है। चल चल के सो जा। चल चल।